गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी ठीक होंगे और थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही चुके होंगे कि आज की हमारी वीडियो किस बारे में है। देन टू मैं फिर से बता देती हूँ, आज की हमारी वीडियो है वो फेस फैट हम कैसे कम करें उस बारे में है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग इसका यहाँ पे ब्लोटिंग आ जाती है उससे परेशान होते हैं। पूरी बॉडी उनकी स्लिम होती है पर फिर भी फैट बहुत चबी रहता है, तो कहीं ना कहीं आपके कट्स हाइड करता है, लुक्स का थोड़ा सा वो करता है। तो इसलिए हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग फेस फैट कैसे कम करें। तो आप थंबनेल से समझ ही चुके होंगे कि मैंने अपना फेस फैट जो है वो काफ़ी हद तक कम किया है। एज़ मैं बहुत ज़्यादा पहले हेल्थी थी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा थी, बॉडी से भी फेस से भी हर जगह से। तो मैंने फेस से भी कम किया है, बॉडी से भी किया है। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता देती हूँ कि मेरा जो फेस फैट है वो बॉडी से मतलब बॉडी मेरी पूरी कम हो गई थी। 12 kgs मैंने रिड्यूस किया है पर फिर भी मेरा फेस फैट जो है वो दिखता था। तो उसके लिए मैंने अलग से एक्सरसाइजेस करी है। आज मैं उसी एक्सरसाइजेस के बारे में और कुछ कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें ब्लोटिंग होती है, तो जो आपकी ब्लोटिंग है ना वो क्यों होती है, क्योंकि आप एक्सेस में सॉल्ट खाते हैं। आपने देखा होगा कि आप अगर सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते टाइम जब आप नमक डालते हो तो सब्जी पानी छोड़ देती है, वैसे ही आपकी बॉडी के साथ होता है। जो एक्सेस सॉल्ट खाता है तो जो वाटर बॉडीज रहती है वो आपको एज अ ब्लोटिंग मतलब ब्लोट होती है आपके हर जगह पे, और वही यहाँ पर आपको ब्लोट करती हुई दिखती है, इसलिए उसे कहते हैं फेस ब्लोटिंग। तो अगर आपको ब्लोटिंग है तो आपका नमक रिड्यूस करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इफ़ इट इज़ ब्लोटिंग। तो जब आप नमक कम करेंगे आपकी ब्लोटिंग अपने आप कम हो जाएगी। और अगर वो फेस फैट है तो उसके लिए हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो अब हम चलते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको आपका जो गाल है वो अंदर की तरफ लेना है और ऐसे मोशन में चलाना है। आप ध्यान से देख सकते हैं कि मेरे दोनों गाल अंदर की तरफ हैं, होंठ ऐसे होंगे और ऐसे चलाना है। इससे आपके यहाँ का जो लाइंस रहती है वो बहुत अच्छे से होती है, पूरा जो मसल्स रहती है वो आपकी कॉन्ट्रास्ट होती है, तो इसकी वजह से आपका जो फेस फैट है वो कम होता है। और भी मैं एक्सरसाइज नई नई भी बताऊँगी, तो बने रहें चैनल पर, पूरी वीडियो देखें ताकि आप समझ पाएँ कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। और इस एक्सरसाइजेस का ये फ़ायदा है कि इससे आप कभी भी कर सकते हो, आप खाना बना रहे हो तो भी आप ये कर सकते हो, सब्जी काटते हो कभी भी आप कर सकते हो, एनीवे एनी टाइम। बस ये है कि आपको कोई देखे ना आप कर सकते हो ऐसे अगर आपको वो लग रहा है तो। और सेकेंड एक्सरसाइजेस की तरफ, तो सेकेंड है हमारा कि ऊपर देखना है आपको और आपके नीचे वाली जो ये चिक्स है इसे ऊपर चलाना है। इससे क्या होता है आपकी मसल स्ट्रेच होती है नीचे की, और जितना भी आपका डबल चिन है वो रिमूव होता है, यहाँ से भी जॉ लाइन पे फ़ायदा पड़ता है। तो इसलिए आप ऊपर देखें और ऐसे आपके नीचे वाला जो जॉ है उसको ऊपर की तरफ करने की कोशिश करें, ऐसे ऊपर चलाएं और फिर नीचे लाएं, ऊपर चलाएं नीचे लाएं, ठीक है। ये आपकी सेकेंड एक्सरसाइज होती है, सेकेंड एक्सरसाइज है ये आपकी जॉ लाइन के लिए, नीचे डबल चिन में दोनों में काम करती है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ कि थर्ड एक्सरसाइज हमारी क्या कहती है। थर्ड एक्सरसाइज में आपको आपके माउथ के अंदर वो हवा ब्लो करना है, हवा मतलब फिल करना है और फिर रिलीज़ करना है। आपको इसी मोशन में आपके माउथ के अंदर जो है हवा फील करना है और रिलीज़ करना है। ऐसे जब आप हवा फील कर रहे हैं आप मसल्स को देख सकते हैं कि मसल्स ब्रॉड होती है, और जैसे ही आप छोड़ते हैं मसल्स अंदर की तरफ होती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी मसल स्ट्रेच एंड होती है तो वो उतना ही फैट रिलीज करती है फेस पे। चलते हैं हमारी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, इसमें भी आपको आपके मुंह के अंदर एयर फिल करनी है और फिर आपका जो जैसे अपन लोग कुछ भी खाते हैं और अपना मुंह चलाते हैं, आप समझो कि पानी आपने आपके अंदर फिल करा है, और जैसे आप पानी को सर्कुलेट करते हैं वैसे ही आपको एयर सर्कुलेट करना है। बस इससे ये होता है कि आपकी मसल्स जो है वो अच्छे से पूरा सारी मसल सर्कुलेट होती है। जैसे मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कैसे करना है। ऐसे
करना है आपको ये सारी एक्सरसाइज, आपको मतलब एक एक एक्सरसाइज एक एक मिनट तो करना ही है, देन टू जब भी आप फ्री हैं आप ये कर सकते हैं आराम से। आप लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर कि कैसे आप करें, अगर आपके पास च्युइंगम है तो आप च्युइंगम खा सकते हैं, और च्युइंगम एक तरह से आपके बहुत अच्छे फेस के लिए एक्सरसाइज हो जाती है, अदरवाइज आप ऐसे ही मुंह चला सकते हैं। वैसे ये एक्सरसाइज आपकी होती होगी जब आप खाना खाते हैं, पर आप नॉर्मली भी करें क्योंकि वो सफिशिएंट नहीं होता है आपके फेस के लिए। अगर आपके फेस में ज़्यादा ही फैट है तो आप ये भी कर सकते हैं। ये 5 एक्सरसाइजेज है, और एक मैंने टिप दी आपको ब्लोटिंग की, जब भी आपको लगे कि आपका ब्लोटिंग हो रहा है तो आप आपके खाने में से नमक कम कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि अगर जो आपको हो रहा है वो ब्लोटिंग ही है, तो नमक रिड्यूस करने से अपने आप रिड्यूस हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक